Good morning, LKG. And now this is your EDS class. Okay, welcome to your EDS class. And in this class, today's our topic is about railway station and airport. Okay, means we will talk about railway station and airport. So look here in this page in page number 9. है ना, ये जो पिक्चर शो हो रहा है ये क्या है, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट की पिक्चर शो हो रही थी इस पेज। ओके विवान, से रिप्लाई, अगर मैम की वॉइस नहीं आएगी क्लियर तो बताइएगा। ओके ओके स्टार्ट करें। यस, so about railway stations, railway stations में क्या होता है, देखिए railway station में जो होती है trains होती हैं, है ना, trains होती हैं। और trains क्या है, one city to one other city means long distance के लिए जब हमको जाना होता है तो we use transport जो होता है ट्रेन, इसका यूज करते हैं, है ना। ट्रेन तो आप लोगों ने मोस्टली सबने देखी होगी और इसने क्या किया, ट्रेवल भी किया होगा। अब देखते स्टार्ट करते हैं, ऑन बोर्ड, ये देखिए जो पिक्चर है ना ये किसकी है, ट्रेन की है। और ट्रेन में देखिए ये काफी क्या होती है, ये काफी लॉन्ग होती है ना। और इसका यूज क्या होता है, बाई ट्रेन We go very short time, ना short time में इसमें हम long distance में जाते हैं। ओके okay? आपकी बुक में जो भी पिक्चर्स इसमें शो हो रहे हैं ना सारा कुछ, ये आपकी एज के अकॉर्डिंग इसी पेपर्स को बनाया गया है। लुक हेयर विवान, लुक हेयर, ओके आपके जो बुक्स में है ना ये सारा इजी पेपर है, आपको इसमें से छोटा थोड़ा सा उसमें जो भी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ओके ब्रिज, ब्रिज का क्या यूज होता है, वन प्लेटफॉर्म टू अदर प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं इसको जाने में, है ना। और ये क्या है, ट्रेन है, जैसे कि मैंने बताया ट्रेन क्या होती है, ये होती है, वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहती है। और इसमें क्या है, लॉट्स ऑफ पैसेंजर मीन्स इसमें काफी लोग, देखिए नेक्स्ट क्या है, होता है कि जहां पर ट्रेन क्या है आकर के स्टॉप होती है ना, जहां पर स्टॉप होती है रेल ट्रैक जो साइड पे बना हुआ क्या है, ट्रेन रन ऑन रेल ट्रैक, ट्रेन जो होती है ये क्या है, रेल ट्रैक पर रन करती है। आप जहां भी देखेंगे इस फोर भाषा में क्या बोलते हैं, पटरियां, है ना, रेल की जो पटरी वो सारा कुछ, तो ये क्या है, ट्रेन क्या है, उस पर रन करती है। ओके अब उसमें और क्या होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रेन, नंबर पे देखिए गार्ड देते हैं ट्रेन को रन और स्टॉप होने का। ओके यस विवान, आप कुछ बोला आपने अभी, ओके जहां समझ नहीं आएगा तो बताएंगे मैम को, मैम की वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही, यस ओके नाउ वी स्टार्ट कंटिन्यू। देखिए गार्ड का जो यूज होता वर्क होता है ना, गार्ड क्या करते हैं, ट्रेन को सिग्नल देते हैं ट्रेन को रन और स्टॉप होने का,
किसकी हेल्प से? ग्रीन और रेड कलर के फ्लैग से. ओके, अब देखिए इसमें और क्या है. यहाँ पर है पैसेंजर. जैसे कि यस यस मेरी वॉइस नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा. ओके, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो जाता है ना तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिप्लाई बताते रहेंगे तो फिर कनेक्शन उसमें थोड़ा देखते हैं क्या होता है. अब देखिए पैसेंजर किसे कहते हैं? यात्री. यात्री को से कहते हैं जो भी क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, है ना. जैसे जो भी लोग उस पर ट्रेन में बैठ करके जाते हैं ना कहीं, उन्हें कहते हैं. लुक ऑन दिस पेज, आपको जो पेज है ना इसमें दिख रहा ना, शो हो रहे हैं जो पीपल्स हैं, काफी पीपल्स हैं ना इधर पे, ये पैसेंजर होते हैं. और उसमें क्या होते हैं, कुली भी होते हैं. क्या होता है बच्चों, कुली होते हैं. जो भी हमारा सामान होता है, यदि हम एक दो बैग लेते हैं तो हम अपना खुद उनको ले जाते बनता है ना. और बाकी जो हमारा लगेज होता है जिसमें हम असमर्थ होते हैं ले जाने में, तो उसमें क्या करते हैं, हम कुली का यूज करते हैं. कुली को देखिए पिक्चर में है ना, देखिए अपने हेड पर ऊपर ये सामान रखे हुए सारा, ये कुली होते हैं. ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, हमारे सामान को ट्रेन के अंदर और ट्रेन से लेकर के बाहर तक सारा जो भी पास करते हैं इसमें हमारे हेल्प करते हैं. इनके बदले में हम इनको कुछ मनी देते हैं और ये हमारे इसमें हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है देखिए, ये पीपल्स हैं. तो पीपल्स तो रहेंगे वहां पर काफी लोग. और इसमें क्या रहता है, फ्रूट स्टॉल होता है, ड्रिंक स्टॉल होता है, बुक स्टॉल होता है. ये सब फैसिलिटीज हमको कहाँ मिलती है, रेलवे स्टेशन में. ओके, ये रेलवे स्टेशन है. इसमें जितना पिक्चर्स है सारा कुछ उसमें शो जो हो रहा है, मैंने अबाउट रेलवे स्टेशन एंड दिस पीपल्स जिनकी डिफरेंट वर्क है ये सारा कुछ बताया. इसके साथ में इसमें क्या होता है, एक टिकट काउंटर भी होता है ना. टिकट काउंटर में क्या वर्क होता है, वहाँ पे टिकट वगैरह चेक किए जाते हैं. ओके, तो ये है रेलवे स्टेशन. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें नीचे, वो क्या है, एयरपोर्ट. बोर्ड पर अब हम पढ़ते हैं एयरपोर्ट, अबाउट एयरपोर्ट के बारे में स्टॉक करते हैं, इसको समझेंगे. तो देखिए एयरपोर्ट में क्या होता है कि एयरपोर्ट में जो एरोप्लेन्स होती है ना, वो एरोप्लेन्स क्या होती है, फर्स्ट तो एरोप्लेन को देखेंगे. एरोप्लेन होता है ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है. मीन्स एरोप्लेन क्या है, ये ऊपर फ्लाई करता है ना. जैसे कि करता है और ये काफी शॉर्ट टाइम पे हमको वन कंट्री टू अदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश में या एक जगह से लॉन्ग डिस्टेंस की जगह में हमको बहुत ही शॉर्ट टाइम पर हमको ये एयरपोर्ट, ये सारा कुछ एयरपोर्ट का पिक्चर में शो हो रहा है. अब इसके बारे में वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके विवान, तो देखिए एयरपोर्ट इज अ प्लेस वेयर एयरप्लेन कैन लैंड. ओके, अब इसमें देखिए क्या है, आपका तो मैनी पीपल कैन बी ट्रेवल. ओके, क्या होता है इसको रन जो कराते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पायलट. पायलट नाम सुना हुआ ना आप लोगों ने, पायलट. ये जो इसको रन करते हैं, मीन्स इसको चलाते हैं, इसको हवाई जहाज भी कहते हैं ना, इसको एरोप्लेन. पायलट के है, पायलट इसको क्या करते हैं, और इसमें क्या होती है, एयर होस्टेस भी रहते हैं अंदर, वो हमको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं. लाइक जैसे
फूड मेडिसिन और क्या बताते हैं जो भी इसमें पैसेंजर होते हैं ना अंदर, उनको बताते हैं कि बेल्ट कैसे हमको बांधना है, सीट बेल्ट, ये सारा कुछ इसमें होस्टेस जो एयर होस्टेस होती है उन्हें एयर होस्टेस की हेल्प से होता है। ओके, अब इसमें देख मैंने बताया था पैसेंजर किसे कहते हैं, यात्री, यात्री किसे कहते हैं जिनको इसमें बैठ करके ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में कहीं जाना होता है ना अंदर, जो टिकट हम लोग भी टिकट भी लेते हैं सारा कुछ, वो किसे कहते हैं पैसेंजर, पैसेंजर। ओके, हमको यहाँ पे एयरपोर्ट में पैसेंजर भी मिलते हैं और उसके साथ में क्या लगेज, हमारा सामान जो भी हम सामान ले जाते हैं ना अपने यूज के लिए कहीं भी बैग में, वो सारा कुछ क्या होता है उसे क्या कहते हैं लगेज। ओके एवरीवन, समझ में आ रहा मैम का है, उसे क्या कहते हैं लगेज। उसके बाद में इसमें क्या है देखिए, और इसमें अब चेक इन काउंटर का यूज क्या होता है, ये हमारे जो भी होते हैं ना डिटेल्स होती है, हमारे आईडी होती है, हमारे टिकट होती है, वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, जो भी हमको इसमें यूज होता है इस एयरपोर्ट में ट्रेवलिंग के लिए जाने के लिए, तो वो सारा कुछ कहाँ पे चेक होता है, ये चेक इन काउंटर पर दिख रहा है ना ये आपको, ये चेक इन काउंटर है। अब देखिए पिक्चर से आपको क्या क्या शो हो रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये एरोप्लेन है, ये क्या है पैसेंजर है, ये जो शो हो रहा है जब चेक इन काउंटर एंड दिस इज लगेज। ओके, अब आपको बताना है जो आपके इसमें क्वेश्चन है उसको हम बाद में लेते हैं, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। अब रिवन आपको बताना होगा सोफा, अब आप बताइए स्टेशन में क्या क्या शो होता है, जैसे आप गए हो ना कभी रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठे हैं ना, तो उसमें क्या क्या शो होता है, या फिर पिक्चर में देखिए आपको क्या क्या शो हो रहा है, ट्रेन है फर्स्ट, तो देख रही है ना ट्रेन है ना विवान, ट्रेन होती है ना ट्रेन लॉन्ग, काफी फास्ट रन करती है ये। ओके, और बताइए ट्रेन को में गार्ड होता है, गार्ड का वर्क आपको बता सकते हैं क्या होता है, गार्ड क्या काम करते हैं, गार्ड क्या करते हैं सिग्नल देते हैं है ना ट्रेन को रन और स्टॉप करने का। ओके, उसके बाद में देखिए क्या है, पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर भी मैंने बताया ना, पैसेंजर किसे कहते हैं जो भी उसमें यात्रा करते हैं, यात्रा मीन्स जो भी यात्री होते हैं उसमें बैठ के कहीं जाते हैं ना सारे लोग, तो वो सारे पैसेंजर होते हैं। और इसमें क्या है, लॉट्स ऑफ पीपल, मैनी पीपल में कैन ट्रेवलिंग, इसमें काफी लोग एक साथ बैठकर के क्या कर सकते हैं ट्रेवल कर सकते हैं ट्रेन में, और ये क्या है काफी फास्ट रन करती है, और किस पर, ऑन रेल ट्रैक। ओके, ऑन रेल ट्रैक, और यहाँ पे क्या होता है प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें नंबर्स होते हैं प्लेटफॉर्म में, और ये ओवर ब्रिज होता है, ब्रिज का यूज क्या होता है, वी गो वन प्लेटफॉर्म टू अदर प्लेटफॉर्म। ओके, और जैसे कि पुली बताया मैंने, पुली का क्या वर्क होता है, पुली जो भी लगेज होता है ना किसका, पैसेंजर का, उस लगेज को मींस लगेज कहते हैं किसी सामान को, जैसे हमने बैग में काफी अपने कपड़े ले लिए, कुछ लोग फूड वगैरह भी ले जाते हैं सामान ना, वो काफी हैवी हो जाता है, तो वो क्या है पैसेंजर से नहीं हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, तो उसके लिए क्या है पुली को हम लोग कह देते हैं, पुली क्या करते हैं काम करते हैं हमारी हेल्प करते हैं, उसके बदले में क्या हमको उनको मनी देना होता है। ओके, ये सारा कुछ हो गया पैसेंजर का, इसके और भी क्या रहता है, यहाँ पे स्टॉल होते हैं, बुक स्टॉल रहते हैं, और फूड स्टॉल रहते हैं, टी स्टॉल और ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे स्टॉल भी वहाँ पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये जो है बताया मैंने एयरपोर्ट, देखिए मैम ये एरोप्लेन बनाई हुई है ना बुक सी, ये एरोप्लेन है, ये क्या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये क्या है स्काई पर आसमान में ऊपर फ्लाइंग करता है। ओके, और इसमें भी लॉट्स ऑफ पीपल जो है इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, और ये मोस्टली वन कंट्री टू अदर कंट्री और वन
प्लेस टू अदर प्लेस में क्या है, काफी शॉर्ट टाइम पर ये हमको वहां तक पहुंचा देता है। ओके अब देखिए, और इसमें क्या है, सेम एज पैसेंजर इसमें भी होते हैं। तो मैंने पैसेंजर शब्द जो यूज किया था किसके लिए किया था, जो भी इसमें यात्रा करते हैं पैसेंजर, चाहे वो बस में भी हो सकते हैं, ट्रेन में भी हो सकते हैं और एरोप्लेन में भी। ओके तो ये सारे इसमें भी जाते हैं, और इसमें भी लगेज होता है क्योंकि पैसेंजर अपने साथ सामान लेके जाते ही हैं कहीं, है ना। और चेक इन काउंटर होता है, तो चेक इन काउंटर का यूज क्या है, यहाँ पे काम होता है, जो भी हमारी टिकट होती है, हमारी डिटेल्स होती है, हमारी आईडी वगैरह सारा कुछ, और जो वीजा होता है वो सारा कुछ काम होता है। यहाँ हमें अबाउट एरोप्लेन कुछ इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है यहाँ पे, और ये सारा। अब देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइज है, फुक एक्सरसाइज अब इसको करना होगा। तो नंबर 9 ऑन योर बुक, ओके बहुत बहुत सिंपल है। आपको द एरोप्लेन लैंड्स ऑन वेयर मीन देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये द एरोप्लेन लैंड्स ऑन मीन्स एरोप्लेन कहाँ पर लैंड करती है, आप बताइए, रेलवे स्टेशन का राइट है या फिर एयरपोर्ट। यस है ना, एरोप्लेन लैंड्स ऑन वेयर एयरपोर्ट लिखा हुआ, अभी आप रीड नहीं कर पाएंगे ना, जब आपको पूरा अल्फाबेट सीख लेंगे। तो क्या मतलब कि जो कुली होता है वो हमारे लगेज को मीन सामान को कैरी मतलब हम लेके जाता है कि नहीं, तो यस और नो। यस है ना, अभी मैंने बताया था ना कि जो कुली का वर्क क्या होता है, जो भी पैसेंजर होता है ना उनके जो भी लगेज होता है सामान को कैरी, उनको कैरी मीन्स लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी हेल्प करता है। यस, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ओके विवान, आपको आज का ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ, समझ गए आप इसको? एनी क्वेश्चन हैव यू, आप कुछ पूछना है मैम से अबाउट दिस टॉपिक? हेलो, कुछ समझ में आया? नो, ओके, यू अंडरस्टूड दैट? आप समझ गए इसको? यस मैम। ओके वेरी गुड। ओके सो नेक्स्ट डे वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक एंड
and that is completed. Okay, bye. Bye, everyone.